नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्यू आर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आयोग की एक श्रृंखला, जिसमें हम सबसे पहले एक चर्चित विषय पर बात करेंगे। उस आयोग का नाम है मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वह न्याय प्रक्रिया में या जेल में या किसी अन्य स्थल पर व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वहाँ अपना योगदान देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव अधिकार का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। बिना मानव अधिकार के हम मानव ही नहीं हैं। आइए तो जानते हैं मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है, जो हमें पैदा होते ही मिल जाता है, जिसमें जिंदगी, बराबरी, सम्मान का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, चाहे वो अधिकार राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सारे अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। यूएन द्वारा अपनाए गए घोषणा पत्र में मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग से इतर बताए गए हैं। मतलब यह है कि व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो या स्त्री हो या पुरुष हो, उसे अधिकार बराबर ही मिलेंगे और सबको अधिकार मिलेंगे। अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया है। मौलिक अधिकार के कुछ तत्व भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता। मानव अधिकार आयोग के अभी 2018 में 25 साल पूरे हुए। आइए हम जानते हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वह कोई भी कार्य हो जिससे मानव की क्षति हो रही है या उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमेशा तत्पर रहता है। मानवाधिकार आयोग की शुरुआत भारत में 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। मानवाधिकार आयोग का सबसे महत्वपूर्ण उसके अध्यक्ष और सदस्य के बारे में जानते हैं। मानव अधिकार आयोग भारत सरकार की एक इकाई है। यह देश में मानव अधिकारों के संरक्षण का काम करता है। इसकी स्थापना 1993 के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत की है, जो आप लोगों ने पढ़ी लिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत का सेवानिर्मित मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। सदस्यों के बारे में जाने तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, अन्य 2 सदस्य वह होते हैं जिन्हें मानव अधिकार के मामले में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। कुछ सदस्य आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके सदस्य अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिला आयोग होते हैं। आप इन सबको नोट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इस बारे में हम जानते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति करने का कार्य प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, राज्यसभा विपक्ष का नेता एवं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, ये सब लोग मिलके इनकी नियुक्ति करते हैं, जिससे मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र इकाई रहता है जिसमें सभी दलों का हस्तक्षेप रहता है, जिससे किसी एक दल की तरफ झुकने का काम नहीं होता। मानव अधिकार आयोग की शक्तियों के बारे में जानें। मानव अधिकार आयोग की शक्तियां हैं संज्ञान, यह संज्ञान लेकर जांच कर सकता है कि कहां पर किसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मानव अधिकार के उल्लंघन पर यह न्यायिक हस्तक्षेप भी कर सकता है, न्यायिक हस्तक्षेप, जेल का दौरा भी कर सकता है, क्या जेल में कहीं शोषण तो नहीं हो रहा, उन्हें समय पर खाना मिल रहा है, उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार तो नहीं हो रहा, एवं यह मानव अधिकार के उल्लंघन पर उन कानूनों को बदलवाने की सिफारिश भी करता है, कानूनों को बदलवाने की सिफारिश, सिर्फ सिफारिश करता है, ये जरूरी नहीं है कि ये कहे कानून बदल जाए, मगर इसका कार्य सिफारिश करना वो ये करता है, एवं इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तो दोस्तों, आपने आज जाना मानवाधिकार आयोग के बारे में, कल हम किसी नए आयोग के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे स्टडी QR पर। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।